गुरदासपुर के कस्बा फतेहगढ़ चूड़िया में पंजाब के मंत्री और भाजपा नेता मदन मोहन मित्तल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग का नींव पत्थर रखने पहुंचे। उनके साथ पूर्व स्पीकर विधानसभा निर्मल सिंह काहलो और चेयरमैन रवि किरण सिंह काहलो भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह बिल्डिंग बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई, जिसमें ट्रेनिंग लेने वाले सभी लड़कों और लड़कियों की जरूरत के अनुसार नई तकनीक की मशीनरी लगाई जाएगी। इस दौरान आप पार्टी पर निशाना साधते हुए मदन मोहन मित्तल का कहना था कि आप पार्टी पंजाब की सभ्यता नहीं जानती और वह पंजाब के हित में नहीं है। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बयानबाजी करते हुए कहा कि वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए पंजाब के लोगों और पंजाब के हित में सोच रखने वाले लोगों को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। गुरदासपुर से हलचल के लिए अक्षय भाटिया की रिपोर्ट। यही इतने दो चल रही हैं, लड़कियों की भी चल रही है, लड़कियों की चल रही है। लड़कियों की आईटीएच पहले सिर्फ दो ट्रेड से तीन अच्छी और बताते एक अच्छे और नवा ऐड करता कल साहब ने जिदा क्या कि स्टेनोग्राफी की क्लास और बताते हैं। स्टेनोग्राफी की असी क्लास लड़कियों लिए आईटीएच बताती है। इतने अपनी बिल्डिंग नहीं सी पहले तो किराए पर सी फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बिल्डिंग ले ली लेकिन दैट वॉज नॉट सफिशेंट। हूँ इन्होंने बिल्डिंग बनाने के पैसे देते और वो पैसे दे के हूँ कहते थे बिल्डिंग बनाओ कमी आएगी बिल पे इन्होंने वधिया बिल्डिंग बनावेंगे जो भी इन्होंने इक्विपमेंट चाहिए होगा वह भी दें। हाउ पंजाब विल टॉलरेट इट। छोटे पुरदाज में बयान पढ़ के हैरान होया कहना मैं इतराज कहना तंग ही हो गया कहना तुम सिक्की तो कढ़ देंगे हूँ यही नहीं पता भी सिक्की क्या है हूँ यही नहीं पता गुरबाणी की है हूँ यही नहीं पता भी 10 गुरुआ ने की किया। जिस बंदे नूं पंजाब च रहना है पंजाब के बारे विचार करना है उन्होंने कम से कम इतने की सभ्यता इतने की संस्कृति इतने की बाणी इतने की गुरबाणी बहुत जरूरी है समझ।